पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नून लीग की पंजाब पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 10 बजे मॉरल टाउन में होगा। इजलास में पंजाब असेंबली में पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 8 नए जजेस का तकर्र, सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जस्टिस अनवारुल हक को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर जजेस में जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शकील रहमान खान, जस्टिस मोहम्मद बहीर खान, जस्टिस अहमद रजा, जस्टिस रसाल हसन सैयद, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस सदीक महमूद खुरम शामिल। नए चीफ जस्टिस अनवारुल हक का जोधे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सरदार शमीन सीनियर तरीन जज बन गए। बागबानपुरा में घरेलू नाचाकी पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल, मुलजिम इरफान मौका से फरार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाए वकूआ से पिस्तौल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक रजिया को उसके शौहर ने गोली मारकर हलाक किया। कानूनी कार्रवाई का आगाज, लाहौर न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। शहर में डाकू राज बरकरार, हंजरवाल में डाकू शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन कर फरार। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून भी शामिल। डकैती की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। मुदई ने इल्जाम लगाया, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। और वारिस मीर अंडरपास में ट्रक फंस गया। ट्रक फंसने से अंडरपास को शदीद नुकसान पहुंचा। एक घंटे बाद टायरों से हवा निकालने के बाद ट्रक को निकाल लिया गया। दूसरी तरफ जेल रोड पर कॉस्मेटिक्स सामान से भरा कंटेनर भी अंडरपास से टकरा गया। हादसे के बायस कॉस्मेटिक्स का सामान बिखर गया। शहरियों ने सामान पर खूब हाथ साफ किए। हादसे के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियाँ सुस्त रवि का शिकार।